आप अगर 50 पे हो तो आप फैट नहीं खा सकते. इट डिपेंड्स ऑन कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, आप स्मोकर हो, आप अल्कोहलिक हो, आप कैसा आपका लाइफस्टाइल है. फूड यानी कि खाना, सबको खाना अच्छा लगता है, लेकिन उम्र के साथ साथ फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है. अब हम जानेंगे डाइटिशियन नवदीप कौर से कि किस उम्र के हिसाब से आपको क्या खाना लेना चाहिए. कि जैसे जैसे हम लोगों की एज अब आती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि छोटा बच्चा है तो हम उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, फिर उसको हम लोग थोड़ा सा हार्ड फूड देना शुरू करते हैं. उसी तरह से अकॉर्डिंग टू जैसे हम लोग टीन एज में हैं तो हमें अलग फूड चाहिए, हम लोग अडल्ट फॉर्म में आते हैं, अडल्ट एज में आते हैं तो हमें अलग फूड चाहिए. फिर हम लोग जैसे जैसे एज वाइज बड़े होते हैं तो फिर हम लोगों का एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है अगर, तो फिर हमें फैट कंटेंट में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. फिर हम एज्ड में आ जाते हैं तो जब काफी एज 50-60 क्रॉस करते हैं तो हमारा थोड़ा सा डाइट और लाइफस्टाइल वैसा सा होना चाहिए अगर हम ऑर्डिनरी मैन की बात करें. इसमें क्या है कि अगर हम लोग यंग एज में हैं तो हमारी एनर्जी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन से आनी चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ पल्सेस से आनी चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सीरियल से आनी चाहिए. और अगर हम लोग छोटे हैं या हमारे बच्चे हैं जैसे हम लोग टीनेज की बात करें तो हम उनको गुड फैट की फॉर्म में भी एनर्जी का एक गुड सोर्स दे सकते हैं. तो इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि हम उनको कैसी वेरिएशन दे के कैसे उनको हम हेल्दी अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई जैसे 40 इयर्स का है, 40 टू 50 की एज में है और उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है क्योंकि वो सिटिंग जॉब में है, या फिर उसका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, या फिर उसका बेसिकली जो मोस्ट कंसर्न टॉपिक अभी चल रहा है वो स्ट्रेस है, क्योंकि आपने भी देखा स्ट्रेस से रिलेटेड कितने इश्यूज आ रहे हैं, कितने लोग एकदम से हार्ट फेलियर हो रहा है या ऐसी प्रॉब्लम में फेस करते हैं क्योंकि उनको वो स्ट्रेस को है मैनेज नहीं कर पाते. तो जो स्ट्रेस भी है वो भी मेन कॉज है आपकी गट हेल्थ को डैमेज करने के लिए. आपका स्लीप पैटर्न, आपका सोशल मीडिया कितना आप यूज कर रहे हो, तो हम बोलते हैं स्क्रीन, स्लीप और ये सब जो चीजें हैं आपकी हेल्थ को बहुत डैमेज करती हैं. तो आपको हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक वर्क चीज पे, एक पॉइंट पे वर्क नहीं करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी को सुनना चाहिए, आपके इंटरनल हेल्थ आपको क्या रिस्पॉन्ड करिए. मोस्टली मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये फूड खा के एसिडिटी हो गई, तो दैट मीन्स अगर आप उस एसिडिटी को, आप उस ब्लोटिंग को अवॉइड कर रहे हो, आपको बॉडी आपकी सिग्नल दे रही है, आपको बता रही है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, दैट मीन्स आपको अपनी गट हेल्थ पे वर्क करना चाहिए, आपको अपनी डाइजेशन इम्प्रूव करने पे वर्क करना चाहिए. आप ऐसा क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए. सो ये सब चीजें हैं कि आपको ये नहीं है कि आप अगर 50 पे हो तो आप फैट नहीं खा सकते. इट डिपेंड्स ऑन कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, आप स्मोकर हो, आप अल्कोहलिक हो, आप कैसा आपका लाइफस्टाइल है, आप उस खाने को डाइजेस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो.